अब हेडिंग डालो, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ पर हम यदि देखें तो हमारे पास मान लो ये कांच है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कांच, ठीक है, और इस कांच में हमने प्रकाश की किरण इधर से लेकर के आए तो ये इधर आएगी और फिर इधर चली जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से क्या जाएगी, प्रकाश की किरण। यहाँ पर जो माध्यम है वो है वायु, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में, तो ये अपने मार्ग से, इसका मार्ग ये था तो अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, ठीक है, और ये जो घटना होगी विचलित होने की, ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखो प्रकाश के अपवर्तन की, कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना या परिघटना अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो अपवर्तन हम किसे कहेंगे, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहाँ जाए, दूसरे माध्यम में, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाए, विचलित हो जाए, तो वो घटना कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ पर प्रकाश की जो किरण है वो है m n, ठीक है, ये जो बाहर निकल रही है इसको हम नाम दे देते हैं p q, और ये जो बाहर निकल रही है इसको नाम दे देते हैं r s, ठीक है, o dash point, इसको नाम दे देते हैं हम x y, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एम एन आपतित किरण और यहाँ पर जो पी क्यू है वो हो गई अपवर्तित किरण और जो एक्स वाई है वो हो गया अभिलंब। यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल कहलाएगा कोण आई और ये वाला एंगल कहलाएगा कोण आर। ठीक है, तो कोण आई बराबर आपतन कोण और कोण आर बराबर अपवर्तन कोण। और ये जो आर एस बच गई इसको कहेंगे हम निर्गत किरण, निर्गत किरण। अब हम लिखेंगे अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ अपवर्तन के नियम। नियम देख ले हम इसके कौन कौन से हैं। फर्स्ट नियम तो यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है,
ये जो पृष्ठ हो गया ये कहलाएगा अपवर्तक पृष्ठ। तो अपवर्तक पृष्ठ का एक ही बिंदु है और उस बिंदु को हमने नाम दिया है ओ। ठीक, तो परवर्तक पृष्ठ के ओ बिंदु के ऊपर तीनों पॉइंट यहाँ पे रहेंगे। ठीक, तो लिखो लिखो फर्स्ट नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं, तो ये इसका फर्स्ट नियम है। ठीक है भाई, दूसरा नियम हम देखें यहाँ पे, तो सेकंड नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ध्यान रखना है हमें कि ये जो वायु है यहाँ पे, वायु जो हमने माध्यम लिया है वो है विरल माध्यम, विरल माध्यम, और जो कांच लिया है हमने वो है सघन माध्यम। ठीक है, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से वापस विरल में जाती है, ठीक है, तो वो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, सेकंड नियम लिखो कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। हो गया? ठीक है, एक बार फिर से सुन लो कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर की तरफ हटती है, तो वह दूर हो जाती है, दूर हटती है। ठीक है, ये इसका सेकंड नियम है। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताइए तब क्या घटना होगी, तब क्या घटना होगी, तो यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसका जो तीसरा नियम है उसके अंदर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कोण आई है, ठीक है, जो कौन सा कोण था हमारे पास, आपतन कोण। ठीक है, इस कोण की यदि हम ज्या निकालें, ठीक है, और इस कोण की यदि हम ज्या निकालें तो इसको हम कहेंगे साइन आई और इसको हम कहेंगे साइन आर। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड थर्ड नियम जो है वो हम लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिखेंगे हम साइन आई, व अपवर्तन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिखेंगे हम साइन आर। तो साइन आई व साइन आर, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है। ठीक है, स्थिरांक के बराबर होता है या स्थिर होता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और इसे हम लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल ने दिया था इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम। ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्नेल का नियम, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट जो होगा वो कहलाएगा स्नेल का नियम। तो ये तीन नियम इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, अब हम हेडिंग लगाएंगे अवतल दर्पण, सॉरी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, पहला लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड जो है वो जल से भरे ग्लास के तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। त,
तीसरा हम लिख सकते हैं कि जल से भरे गिलास में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना। चौथा हम यहाँ कर सकते हैं कि समुद्र में मछली का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर नजर आना, ऊपर नजर आना। ठीक है, तो ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं वो किसके ऊपर काम करती है? प्रकाश के परावर्तन पर।